नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात करते हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मीन लग्न के तृतीय भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 12 नंबर का मतलब होता है मीन लग्न, और मीन लग्न में सूर्य छठे भाव का स्वामी होता है, षष्ठम भाव का स्वामी होता है। षष्ठम भाव का स्वामी होकर जाइए अपने स्थान से दशम स्थान और कुंडली के तृतीय स्थान में स्थित हो जाता है, तो यह एक नकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन जाता है। यहाँ पर एक नियम काम करता है जिसमें कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि छठा भाव होता है त्रिषडाय भाव और तर्क भाव, इसका मतलब विशेष रूप से अशुभ भाव। जब अशुभ भाव का स्वामी अगेन अशुभ भाव में बैठता है तो वह स्वयं भी अशुभ हो जाता है और संबंधित भाव को भी अशुभता प्रदान करने वाला हो जाता है। जैसे यहाँ पर तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, मेहनत का भाव है, परिश्रम का भाव है, प्रयासों का भाव है, तो व्यक्ति मेहनत प्रयास और परिश्रम से कतराने वाला होता है, कंफर्ट जोन में काम करने वाला होता है, कंफर्ट फील करने वाला होता है। यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो व्यक्ति की बैकग्राउंड बहुत अच्छी हो जिससे कि उसको मेहनत करने की आवश्यकता ना हो, पहली चीज़। दूसरी स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि व्यक्ति के पास ऑप्शन ना हो काम करने के, या उसको अपॉर्चुनिटीज ना मिले काम करने के लिए। चलिए देखते हैं इसमें क्या बेहतर हो सकता है प्रेक्षण। यहाँ पर यह सूर्य अशुभता प्रदान करने वाला होगा, सूर्य के जो कंटेंट्स होंगे वह भी नेगेटिव हो जाएंगे। सूर्य के कंटेंट्स होते हैं प्रभाव, प्रदर्शन और धैर्य का कारक होता है, प्रेजेंटेशन का कारक होता है, प्रभाव का कारक होता है, तो इस सभी क्षेत्रों में व्यक्ति को नकारात्मक फल मिलेंगे। धैर्य की कमी होगी, प्रभाव, प्रदर्शन, मान सम्मान और प्रतिष्ठा की हानि होगी। देखिये, एक नियम यह भी है कि सूर्य तृतीय भाव और एकादश भाव दोनों ही भावों में ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देने वाला होता है। सूर्य की जो आइडियल पोजीशन बताई गई है वो 11th हाउस या तृतीय भाव। देखिए, यहाँ पर वह नियम इसलिए भी काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर एक तो यह अपनी शत्रु राशि पर बैठा हुआ है, पहली बात। यहाँ पर वृष राशि है, वृष राशि का स्वामी होता है शुक्र, शुक्र की राशि में स्थित है, सूर्य और शुक्र परस्पर शत्रु हैं। दूसरा, ये छठे भाव का स्वामी हो रहा है। छठा भाव एक नकारात्मक भाव होता है, रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव होता है, तो रोग, ऋण और शत्रुओं से पीड़ित होने वाला व्यक्ति होता है। व्यक्ति के पुरुषार्थ में रोग, ऋण और शत्रु तीनों ही अवरोध पैदा करने वाले होते हैं, तो ऐसी स्थिति में ही यह तृतीय भाव में मीन लग्न में बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रदान नहीं करेगा। सूर्य की यहाँ से सीधी दृष्टि 9th हाउस पर है, 9th हाउस पर इसकी पोषण करने वाली दृष्टि पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर यह भूलना नहीं चाहिए कि सूर्य ऑलरेडी नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव भाव का स्वामी होकर नेगेटिव भाव में बैठा है। जब हमने लघु पाराशरी का अध्ययन किया था तो हमने बताया था कि अष्टम भाव और तृतीय भाव दोनों ही भाव मारक भाव होते हैं। मारक भाव में जब तृक भाव का स्वामी स्थित हो जाता है तो सूर्य को और तृतीय भाव दोनों को ही दूषित कर देता है। यहाँ से जब इसकी दृष्टि नवम भाव पे पड़ती है तो यह है, लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज़ है, यह है कि यहाँ पर इसकी मित्र राशि है तो इसको पोषण प्रदान करेगा, लेकिन फिर भी आउटपुट बहुत बेहतर नहीं होंगे। व्यक्ति मेहनत से अधिक भाग्य की खाने वाला होगा, जैसे कि अभी हमने बात कर चुके हैं कि मेहनत से कतराने वाला होगा, या तो उसकी बैकग्राउंड बहुत अच्छी हो जाए, तो यहाँ से ये दिखाई देता है कि व्यक्ति की बैकग्राउंड संभवतः अच्छी हो सकती है, जैसे कि उसको दैनिक दिनचर्या को जीने में, दैनिक जीवन को जीने में कोई ज़्यादा कठिनाई महसूस नहीं होती, इसलिए उसको मेहनत करने की भी आदत नहीं होती या परिश्रम से वह दूर भागता है। दूसरी स्थिति क्या है कि यह नवम भाव को पोषण भी प्रदान कर रहा है, तो नवम भाव को पोषण प्रदान करने में तो भाग्य की वृद्धि भी कर रहा है, तो व्यक्ति को भाग्य का साथ भी मिल जाता है ऐसे में, तो इसलिए भी उसको मेहनत के कार्यों को करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती या आवश्यकता नहीं पड़ती उसको। सूर्य होता है नवम भाव का कारक, दशम भाव का कारक और लग्न भाव का कारक। नवम भाव के सापेक्ष हम बात कर ही चुके हैं कि यह सूर्य अपने भाव से सप्तम भाव पर स्थित है और सप्तम भाव पर इसकी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, तो भाग्यशाली व्यक्ति होता है। दशम भाव के सापेक्ष देखें तो यह अपने भाव से छठे भाव अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6 अपने कारक भाव से छठे भाव पर स्थित है। छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रुओं का, नेगेटिव भाव होता है, नेगेटिव प्लेसमेंट है इसकी। जब भी हम किसी ग्रह का प्रेडिक्शन करते हैं तो हमें यह जरूर देखना चाहिए कि वह अपने कारक भाव और राशि भाव से कौन से स्थान पर पड़ रहा है,
उसी के अनुसार वह संबंधित भाव को पोषण प्रदान करता है। तो यहाँ पर यह जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, तो व्यक्ति को प्रोफेशनली सेटल्ड होने में बड़ी कठिनाई होगी। जिसका कारण ये भी होगा कि व्यक्ति मेहनती नहीं होगा, तो प्रोफेशनली सेटल्ड होने के इसमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा। और संभवतः बहुत अच्छी एज के बाद या लगभग 43 की एज के बाद वो प्रोफेशनली सेटल्ड हो पाए, तो ऐसी पूर्ण संभावना बनी रहती है। या फिर अगर प्रोफेशनली सेटल भी होता है तो उसका कहीं ना कहीं ब्रेक होते रहते हैं। जैसे भी जॉब करी तो जॉब कुछ समय तक करी फिर छोड़ दी, फिर अगेन जॉब पकड़ी फिर कुछ समय तक करी फिर छोड़ दी, या छूट गई, कोई भी कारण हो सकता है। तो इस तरह की संभावना भी प्रतीत होती है। एक होता है सूर्य लग्न भाव का कारण। लग्न भाव के सापेक्ष यह तृतीय भाव पर स्थित है, परिश्रम के भाव पर स्थित है। तो लग्न के सापेक्ष व्यक्ति को परिश्रम करना पड़ेगा। जब व्यक्ति परिश्रम करता है तो उसके आउटपुट बेहतर आते हैं। लग्न को परिश्रम का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं, बशर्ते मेहनत करते रहें। तो ये भी एक कारण है कि व्यक्ति अधिक मेहनत नहीं करता, क्योंकि कम मेहनत में ही उसको अच्छे आउटपुट मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो लगातार पढ़ते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि बिल्कुल एग्जाम टाइम में ही वो पढ़कर पास हो जाते हैं, या बाई लक कहें उनको वही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जो कि जिसको कि वो अच्छे से तैयार कर चुके होते हैं। तो कम मेहनत में अच्छे आउटपुट का ये कारक बना हुआ है। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। तृतीय भाव में, जैसे कि हमने पहले ही बताया, तृतीय भाव और एकादश भाव में सूर्य की जो होती है सबसे अच्छी पोजिशन होती है, एक आइडियल पोजिशन होती है। लेकिन यहाँ पर यह अपनी शत्रु राशि में स्थित है, तो नेगेटिविटी भी प्रदान करेगा। तो इसमें सबसे अच्छा तो उपाय यही है कि इसके जाप और हवन किसी योग ब्राह्मण से कराई जाए समय समय पर, जिससे इसके नेगेटिव कंटेंट्स खत्म होते हैं, पॉजिटिव कंटेंट्स बढ़ते हैं। एक उपाय। दूसरी बात, देखिए इसके जाप और हवन स्वयं नहीं करने, क्योंकि ये छठे भाव का भी कारक है। रोग ऋण और शत्रुओं की बढ़ोतरी करने वाला होगा। यहाँ पर रोग ऋण और शत्रु किसको प्रदान करेगा? तृतीय भाव को। तृतीय भाव होता है छोटे भाई और छोटे बहन का, तो छोटे भाई और छोटे बहन भी संघर्ष करने वाले होते हैं। सबसे ज़्यादा नेगेटिव जो इफेक्ट्स मिलेंगे उसको छोटे भाई और छोटे बहन को मिलेंगे। छोटे भाई और छोटे बहन को सूर्य से संबंधित रोग हो सकते हैं। सूर्य से संबंधित रोग होते हैं हृदय से संबंधित रोग, हड्डियों से संबंधित रोग, सिरदर्द की समस्या, माइग्रेन की समस्या, इनसे संबंधित रोगों की अधिकता हो सकती है इनके जीवन में। तो अगर आप उपाय करते हैं तो इसका लाभ डायरेक्टली आपके छोटे भाई और छोटे बहन को भी मिलता है। आपका उपाय आपके रिश्तेदारों के काम आता है। इसके अलावा किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं है। सूर्य को जल नहीं देना है, आदित्य से सूर्य का पाठ नहीं करना है, सूर्य को जाप और हवन नहीं करने हैं। सूर्य के जाप और हवन किसी योग ब्राह्मण से ही करवाने हैं। ठीक है, तो आज हमने बात करी मीन लग्न के तृतीय भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मीन लग्न के चतुर्थ भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।